लिहाजा अस्माए हुस्ना का इल्म अफजल तरीन इल्म है। अस्माए हुस्ना का इल्म हासिल करना रिज्क में बरकत का सबब है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह का नाम लेकर घर में दाखिल होता है तो शैतान उस घर में दाखिल होना छोड़ देता है, शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता। और जब बंदा खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो उसके अल्लाह के नाम की बरकत की बुनियाद पर शैतान उसमें शरीक नहीं होता। हत्ता कि जब बंदा अपनी बीवी से मुलाकात करता है और अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान उससे दूर हो जाता है। तो मेरे अजीज भाई और दोस्तों, एक तरफ तो अस्माए हुस्ना की इस कदर फजीलतें हैं, इस मुख्तसर से लेक्चर में उन सारी फजीलतों का इहतिवा मुमकिन नहीं है, लेकिन इन मुख्तसर सी बातों से हमें जो बात समझ में आती है कि हमारी अपनी जिंदगी के अंदर अस्माए हुस्ना की बहुत ज्यादा फजीलत है। जब इस इल्म की इस कदर फजीलत है तो इस इल्म की बुनियाद पर जो तौहीद कायम होगी वो तौहीद सबसे ज्यादा अतम और सबसे ज्यादा अकमल होगी। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।